हरियाणा में भाजपा की जीत के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली के कार्यालय में समर्थकों का हजूम जुट गया। समर्थकों ने एक दूसरे को जीत की बधाई दी और मुंह मीठा करवाया। वहीं मौके पर मौजूद प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली के भाई व राय हल्के से भाजपा नेता मायराम कौशिक ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश की जनता ने कांग्रेस का सफाया कर दिया है। उन्होंने कहा हरियाणा की जनता ने बाप बेटे को बुरी तरह से नकार दिया है। उन्होंने कहा भूपेंद्र हुड्डा कहते थे सोनीपत उनका गढ़ है, उनका गढ़ भाजपा ने समाप्त कर दिया है। मायराम कौशिक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा व सीएम नायब सिंह सैनी और प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर निगम पार्षद त्रिभुवन कौशिक, राजेश गुप्ता, मनीष राय, डॉक्टर विवेक, अजय दहिया व अन्य गणमान्य लोगों ने बधाई दी। देखें सोनीपत से आदेश त्यागी की रिपोर्ट। ये हरियाणा की जनता की जीत है और मोदी जी की नीतियाँ और नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में जो हरियाणा जनता पार्टी का सबका साथ सबका विकास की जो नीतियाँ हैं ये जनता ने जिस पे मोहर लगाई है और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक बनाने जा रही है और पूरे कार्यकर्ताओं में जो जोश था वो आप सबको पता है कि एक तरफा कार्यकर्ताओं की जीत है, हरियाणा की जनता की जीत है। ये हरियाणा की जनता ने दिखा दिया है न झुकेगी और बिल्कुल मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के और नायब जी के नेतृत्व में और नरेंद्र मोदी की नीतियों पे इस पर मोर लगा दिया हरियाणा की जनता ने और फिर दिखा दिया है कि तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। हमारा सबका साथ सबका विकास बगैर खर्चे बगैर पर्ची की पर मोर लगाई है। यहाँ तो एक इन्होंने बोला चालू कर दिया था, जितने भी इसके लोकल नेताएँ थे दो नेताओं ने जिनको टिकट मिली थी पहला अपना घर भरेंगे फिर दूसरा अपने रिश्तेदारों का घर भरेंगे। ये सब जनता ने दिखा दिया है भाई भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है उन पर मोहर लगाई है और एक तरफा जीत भारतीय जनता ये इनके सब क्या मुंगेरी लाल के सपने थे, ये जनता सब देख रही थी, ये जनता जनार्दन है और जनता ने सब की मोहर लगाई है। अगर भाई हरियाणा के अंदर बाबू बेटा की सरकार नहीं है, हरियाणा की जनता की सरकार है भारतीय जनता पार्टी।